इंडिया का चौथा सीजन जिसे हम कूल सीजन, रिट्रीटिंग मानसून सीजन या पोस्ट मानसून सीजन कहते हैं। इस सीजन में अब क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर जो जून से लेकर के सितंबर तक, मिड सितंबर तक सेंट्रल इंडिया या इंडो गैंगटिक प्लान वाले पूरे रीजन में थार मरुस्थल में लो प्रेशर डेवलप कर रही थी, अब वो सारी परिस्थितियां धीरे धीरे वीक पड़ने लगती हैं। जैसे 15 सितंबर आते आते तक तिब्बत का प्लेट्यू ठंडा होने लगता है, हिमालयन एल्बिडो कम होने लगता है, मैस्क्रीन हाई जो है वो कमजोर होने लगता है। तो पहले जो फैक्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर यहां पर बनाते थे, अब वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं और लो प्रेशर अब मैदानी क्षेत्र से होते हुए धीरे धीरे साउथ शिफ्ट करने लगता है और दिसंबर आते आते तक पूरा लो प्रेशर इंडिया के मैदानी क्षेत्र से खत्म हो जाता है और मैदानी क्षेत्र में हाई प्रेशर सितंबर से ही बनना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे यहां का हाई प्रेशर बनता जाता है, यहां पर लो प्रेशर बनता जाता है और 15 सितंबर के आसपास यहां पर हाई प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और यहां लो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके कई कारण है। एक तो सन अब धीरे धीरे साउथ आने लगा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 21 जून में सन कर्क रेखा पर होती है और उसके बाद 21 जून के बाद सन धीरे धीरे साउथ आने लगता है। हालांकि इसके बावजूद इंडिया में मानसून आगे बढ़ता रहता है। उसका कारण क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आईपीसी जेट सन तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है, लेकिन हमारा आईपीसी जेट पहुंच जाता है यहां तक। तो अब हम सन की स्थिति नहीं, आईपीसी जेट की स्थिति के हिसाब से देखेंगे। तो आईपीसी जेट हमारा काफी अंदर घुस जाता है, इंडो गैंगटिक प्लेन तक आ जाता है, ठीक है। तो उसके कारण मानसून इंडिया में 15 जुलाई तक बढ़ता है, एक महीना अपनी जगह पर प्रसिस्ट करता है और 15 सितंबर से प्रेशर कंडीशन चेंज होने के कारण अब हवाएं लैंड से सी की ओर चलने लगेंगी और अब सारी हवाएं लैंड से सी की ओर चलेंगी और जब लैंड से सी की ओर चलेंगी तो वे कहीं पर भी बारिश नहीं करेंगी, क्योंकि वो लैंड से होगी सी की ओर आ रही है तो बारिश नहीं करेंगी क्योंकि ड्राई विंड है। लेकिन कुछ विंड जो इधर नॉर्थ ईस्ट से लौटती है, ये जब ये नॉर्थ ईस्ट से इधर कुछ विंड लौटती है इधर से, तो इधर रास्ते में उनको वेव बंगाल पड़ता है और वेव बंगाल से वो मॉइस्चर ले लेती है और मॉइस्चर लेकर के तमिलनाडु के कोस्टल क्षेत्र में आकर के टकराती है। कुछ विंड्स आंध्र प्रदेश के भी कोस्टल क्षेत्र में टकराती है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केवल बारिश करती है। हाउएवर कुछ विंड यहां पर गैप्स है, कावेरी और कृष्णा गैप्स है, इन गैप्स में से होकर के थोड़े से अंदर घुस जाती है और केरल और कर्नाटक में भी थोड़ी मोटी बारिश कराती है, लेकिन असली बारिश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कराती है। हाउएवर लिटिल बिट रेनफॉल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन कर्नाटका एंड केरला, दैट्स व्हाई फॉर केरला एंड कर्नाटका दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेनी सीजन। फर्स्ट वाज दी एडवांसिंग, द सेकेंड वाज दी रिट्रीटिंग। तो रिट्रीटिंग मानसून से, तो चूंकि विंड चूंकि वापस लौटते हैं इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं और रिट्रीटिंग मानसून में आपको ध्यान रखना है कि केवल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश होती है, लिटिल बिट इन कर्नाटका एंड केरला, इज इट क्लियर। चलिए अब जैसे जैसे सन साउथ की तरफ खिसकता जाएगा, जो है यहां का लो प्रेशर हाई प्रेशर होता जाएगा और यहां का हाई प्रेशर लो प्रेशर होता जाएगा और इस पूरी प्रोसेस में विंड जो है वो लैंड से सी की ओर आएगी, इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन भी कहते हैं, क्योंकि जब यहां से एडवांसिंग हो रहा था तो उसे साउथ वेस्ट मानसून कह रहे थे, क्योंकि डायरेक्शन ही साउथ वेस्ट था और जब लौटेंगे तो उनका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट होगा, इसलिए उनको नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन भी कहते हैं। जब ये सीजन इंडिया में आता है, भारत में जो घनघोर बारिश होना हुआ था साउथ वेस्ट मानसून सीजन में, अब वो धीरे धीरे कम होने लगती है। नॉर्थ इंडिया से तो काफी कम हो जाती है, साउथ इंडिया में भी लिटिल बिट रेनफॉल होती रहती है। तो इस प्रकार से जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून सीजन खत्म हुआ, ये वाला सीजन आना शुरू हुआ, तो नॉर्थ इंडिया में कुछ क्लाउड बने रह जाते हैं, लेकिन वे क्लाउड
रेनफॉल कराने में कैपेबल नहीं होते क्योंकि एकदम ड्राई विंड यहां पर चल रही है। तो टेम्परेचर की स्थिति क्या होती है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस अप टू होल अक्टूबर तक टेम्परेचर नॉर्दर्न इंडिया में तो बढ़ता है और उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो रेनफॉल खत्म होने के बाद नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जबकि अभी इसके पहले टेम्परेचर 35 डिग्री एवरेज था नॉर्दर्न इंडिया का, अब वो बढ़कर के हो जाएगा 36 डिग्री 37 डिग्री 38 डिग्री तक हो जाएगा अक्टूबर तक। उसका रीजन ये है कि अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में क्लाउड्स तो बने हुए हैं लेकिन वो क्लाउड्स रेनफॉल नहीं करवा पा रहे हैं। और क्लाउड्स का काम क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब कर लेने के कारण टेम्परेचर बना रहता है। तो अक्टूबर में काफी गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न इंडिया में, इसलिए इस मंथ को अक्टूबर हीट कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर हीट क्या है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन के बाद नॉर्दर्न इंडिया से बारिश तो खत्म हो जाती है लेकिन क्लाउड्स बने रहते हैं, वही क्लाउड्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जाने वाले विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गर्मी बनी रहती है। लेकिन अक्टूबर के बाद अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब आपको यह बात याद रखनी है कि रिट्रीटिव ऑफ मानसून इज मोर ग्रेजुअल देन एडवांसिंग, एडवांसिंग जो है मानसून का वो मानसून बस्ट के साथ शुरू होता है, बस्ट में अचानक से मानसून आता है, अचानक से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इसका बड़ा ग्रेजुअल है, इसके लौटने का पैटर्न बड़ा निश्चित है। ठीक है, जैसे मेहमान हमारे घर में कब आएंगे हमें नहीं मालूम लेकिन जाने का कुछ पैटर्न मालूम होता है, भाई दो दिन के लिए आए चार दिन के लिए आए, तो सब पैटर्न इज देयर बट आने का पैटर्न नहीं मालूम। उसी प्रकार मानसून की एडवांसिंग का थोड़ा सा पैटर्न सडन वाला है लेकिन ग्रेजुअल है रिट्रीटिंग। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं टोटल मानसून पीरियड, किसी जगह का टोटल मानसून पीरियड हम कैसे निकालते हैं। उदाहरण, ये जो हम लोगों ने लाइन खींची है ये रिट्रीटिंग मानसून का, यानी 1 सितंबर को मानसून यहां से लौटना शुरू करता है, 15 सितंबर को लौट के यहां तक आ जाता है, यानी 15 सितंबर तक इतने जगह से मानसून खत्म हो चुका होता है, यहां अभी है, 25 सितंबर तक मानसून इतने जगह से खत्म हो चुका अभी यहां है, 1 अक्टूबर तक मानसून इतने जगह से खत्म हो चुका यहां है। तो ऐसे ये मानसून की रिट्रीटिंग का पैटर्न है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मानसून की एडवांसिंग इस डायरेक्शन में होती है लेकिन रिट्रीटिंग इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्वाभाविक बात है, कोई जाएगा यहां से तो लौटेगा यहां से ना, लौटेगा भी वहीं से तो यहां से लौटेगा। ठीक है, अब यहां पर ये डेट्स लिखी हुई है कि 1 सितंबर को राजस्थान के बीकानेर वाले पार्ट से मानसून वापस आता है, 15 सितंबर को इधर गांधीनगर के आसपास श्रीनगर, गांधीनगर इधर और इधर श्रीनगर। तो ये पूरी लाइन आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी सिटीज को मिलाती है मैप में आप बर्कआउट करना है। 15 सितंबर को यहां पर, 25 सितंबर को मुंबई से, बीच में दिल्ली है, तो दिल्ली लगभग 22-23 सितंबर को दिल्ली से मानसून खत्म हो जाता है। अब आपको यहां देखना है, तो इस प्रकार से ये सारे डेट हैं और 1 दिसंबर तक पूरे इंडिया से जो मानसून है वो खत्म हो जाता है, इसलिए हमने इसका पीरियड रखा हुआ है 15 सितंबर से एंड ऑफ नवंबर तक रिट्रीटिंग मानसून सीजन होता है और 1 दिसंबर तक पूरे भारत से मानसून समाप्त हो चुका होता है, वापस हो चुका होता है और अब आ जाता है विंटर सीजन, जिसमें इधर वेस्टर्नली जेट चलने लगेंगे, अब ये ठंडा होने लगेगा और ये तमाम प्रक्रिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि मानसून पीरियड किसी जगह का कैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए मैं देख लेता हूं कि मुंबई में हमें याद रखना है कि मुंबई में मानसून आया किस डेट को था, तो मानसून आया था 10 जून को और मानसून लौट कब रहा है 25 सितंबर को। अब आप बस काउंट कर लो कि मुंबई में मानसून कितने दिन रहा, तो मुंबई में मानसून कितने दिन रहा, 5 दिन सितंबर का, फिर पूरा अक्टूबर, सॉरी 10 जून को आया था तो जून के 20 दिन 20 डेज, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और सितंबर के 25 दिन, यानी हम मोटा मोटा मान लें पूरा सितंबर, अगर हम यहां 5 दिन इससे निकाल के यहां दे दें तो जुलाई अगस्त सितंबर 15 दिन, 3.5 महीने। तो मुंबई में कितने महीने रहा मानसून, 3.5 महीने। अच्छा चलो अब दिल्ली में देंगे तो यहां 3.5 मंथ रहा मानसून, बहुत बढ़िया। दिल्ली में देखे थे, दिल्ली में आया था मानसून कितने तारीख को, 10 जुलाई को मानसून आया था दिल्ली में और लगभग कितने जुलाई सितंबर को लौट गया, 20 सितंबर को लौट गया। तो जुलाई
अच्छा यहाँ 4.5 महीने होगा ना, अगस्त हमने शुरू किया है, ठीक है। तो एक बार मुंबई काउंट फिर से काउंट कर लेते हैं, 10 जून आया, जून छोड़ देते हैं, बट जून का, जून के बाद पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और पूरा सितंबर, ठीक है, 3.5 महीने यहाँ। अब यहां देखिए जुलाई, तो 10 जुलाई से 10 अगस्त एक महीना, और 10 अगस्त से 10 सितंबर दो महीना और 10 दिन। तो दिल्ली में मानसून कितने दिन रहा? 2 महीना 2 मंथ 10 डेज। यहां 2 मंथ, यहां 3.5 मंथ, ठीक। अब अगर आप तिरुवनंतपुरम या ठीक है इधर आप चाहे तो पणजी का भी निकाल लें, पणजी का कब? गोवा पणजी, पणजी आप देखिए पिछली बार 5 तारीख के आसपास पणजी में मानसून आया था और 1 अक्टूबर को लौट रहा है। तो पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, ठीक है। तो लगभग यहां पणजी में 4 महीना। अब तिरुवनंतपुरम में निकालिए, तिरुवनंतपुरम 1 जून को आया था, 1 दिसंबर को जा रहा है, यानी पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा दिसंबर नहीं, पूरा नवंबर, 6 महीना, यहां 6 महीना, ठीक है। और चले जाए आप थोड़ा सा उत्तर, पंजाब के पास चले, तो पंजाब में मानसून आया था लगभग 10 जुलाई के आसपास, पंजाब में, हरियाणा में 10 जून के आसपास, 10 जुलाई के, 10 जुलाई दिल्ली में आता, 12, 13, 15 जुलाई, 15 जुलाई के आसपास पंजाब हरियाणा में आता। अब 15 जुलाई को आया और लौट कब गया? लगभग 15 सितंबर, यानी कितना रहा? 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 2 महीना। तो जितना दिल्ली में रहता उतना पंजाब हरियाणा में। कुल मिलाकर हमें एक बात याद रखनी है कि किसी जगह का मानसून पीरियड कैसे निकालेंगे, किस डेट को आया था, किस डेट को रिट्रीट हुआ है, उस डेट के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, उसका मानसून पीरियड। अब इसका पैटर्न देखिए, मानसून पीरियड नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इधर आप देखेंगे तो इधर और थोड़ा सा चले जाए, इधर 1 महीना 1.5 महीना, दिल्ली की तरफ 2 महीना, फिर इधर आ जाएंगे तो आप 3 महीने, यहां 3.5 महीने, फिर यहां आ जाएंगे 4 महीना 4.5, 5 और यहां 6 महीने। तो केरला में मानसून 6 महीने रहता है, इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हम मानसून पीरियड किसी जगह का निकाल सकते हैं और पैटर्न बता सकते हैं, कभी कोई एग्जाम में आ जाए कि किस जगह पर मानसून कितने देर तक रहता है तो हम ये बता सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम देखें तो कलकत्ता में पूछ लिया है, कलकत्ता में मानसून आता है 7 जून को और लौटता कब है? तो यही जो 1 अक्टूबर की वो है, ये लगभग कलकत्ता की थोड़ा सा, कलकत्ता इधर है तो लगभग 1 अक्टूबर हम लोग मोटा मोटा मान लेते हैं, तो 7 जून को आता है और 1 अक्टूबर के आसपास कलकत्ता से मानसून वापस आता है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कहां मानसून आता है और कैसे होता है, ठीक है। इस समय हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि दिस सीजन इन इंडिया इज द इंटेंस ट्रॉपिकल मानसून सीजन, इस समय सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं यहां पर, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और अरेबियन सी में इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं और ये साइक्लोन बनते हैं अक्टूबर और नवंबर में, ये इंडिया के कोस्टल रीजन के लिए सबसे ज्यादा डिवेस्टिंग होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, कैसे बनती है, हम मानसून साइक्लोन पहले पढ़ चुके हैं। रेनफॉल केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है, लिटिल बिट कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होती है। तो दिस इज अवर रिट्रीटिंग मानसून सीजन, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं जो मानसून की जो विशेषता है। तो मानसून ट्रफ क्या है, मानसून ट्रफ क्या है? मानसून ट्रफ इज अ लो प्रेशर बैंड, लो प्रेशर की पट्टी होती है और यह पट्टी राजस्थान के थार डेजर्ट से लेकर के और इधर दिल्ली होते हुए इधर पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन असम प्लेन, ये पूरी जो पट्टी, यानी इसी समय इस पूरी पट्टी में आईटी सीजन होता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन के समय में द लो प्रेशर बैंड विच इज एग्जैक्टली ओवरलैपिंग आईटी सीजन इज द मानसून ट्रफ। मानसून ट्रफ वो पट्टी है जहां इंटेंस लो प्रेशर है और जो ओशन के तरफ से विंड को अपने तरफ खींच रही, उसको बोलते हैं मानसून ट्रफ गर्व, ठीक है। इतना लो प्रेशर है इसलिए उसका नाम है ट्रफ, दबाव बहुत कम है वहां पर, ठीक है ऐसा। तो ये मानसून ट्रफ क्या लगे, तो वेयर आईटी सीजन ही मानसून ट्रफ है, क्लियर होगी बात। लेकिन आईटी सीजन तो यहां से पढ़ना शुरू किया, मई में यहां रहा, अप्रैल में यहां रहा, मई में यहां रहा, जून में यहां रहा, लेकिन जून वाले को ये मानसून ट्रफ कहते हैं क्योंकि
जून में वो सारी कंडीशन मिल जाती है जिसके कारण ये आईपीसीजीएफ का लो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इज इट क्लियर? चलिए मानसून पर हो गया। मानसून ऑनसेट या मानसून बस्ट क्या है? भारत में जब भी पहली बार मानसून आती है, साउथ वेस्ट विंड जब कभी पहली बार आके टकराता है उसको कहते हैं मानसून, मानसून का ऑनसेट। लेकिन ये ऑनसेट रेगुलर नहीं होता, जब भी आता है ऑल ऑफ सडन आता है, तो ऑल ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ मानसून इज नोन एज मानसून बस्ट। इज इट क्लियर? मानसून ब्रेक। अब मानसून में ब्रेक हो जाता है, हमने इसके पहले भी चर्चा किया था एक बार कि अगर केरला में 6 महीने मानसून है, मुंबई में 3.5 महीने मानसून है, किसी और जगह पर 3 महीने मानसून है, तो वहां पर लगातार 3 महीने लगातार 90 दिन लगातार 24 घंटे 7 दिन बारिश नहीं होती रहेगी, बीच बीच में बारिश रुक जाती है, इस बारिश के रुकने को ही बोलते हैं मानसून का ब्रेक। ये मानसून ब्रेक होता क्यों है? उसके 3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि शिफ्टिंग ऑफ मानसून ट्रफ या आईपीसीजेड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आईपीसीजेड एक कॉन्स्टेंट चीज नहीं है, जैसे जैसे सन मूव करती है सन के साथ साथ आईपीसीजेड थोड़ा आगे पीछे, लेकिन सन के अकॉर्डिंग ही मूव करती है। ठीक, तो जून को सन यहां है तो आईपीसीजेड यहां है, जुलाई में सन इधर आ जाएगा तो आईपीसीजेड भी इधर आ जाएगा, फिर सन खिसकता रहेगा खिसकता रहेगा। ठीक है, बस समझ में आ गई? तो सन के ठीक, और एक जून को सन कहां है, एक जून को सन यहां है, फिर 23 को सन यहां आ गया, तो सन आगे पीछे जैसे जैसे हम 1 जून से आगे बढ़ेंगे सन नॉर्थ की तरफ जाएगा, और फिर 21 जून के बाद सन साउथ की तरफ आएगा, यानी आईपीसीजेड की शिफ्टिंग एज पर दी शिफ्टिंग ऑफ सन। तो पहला रीजन जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं हमारे साउथ वेस्ट मानसून में, ब्रेक पैदा करते हैं, उसको कहते हैं हम, तो एक रीजन तो है शिफ्टिंग ऑफ आईपीसीजेड। दूसरा रीजन है जेनेसिस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहां ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने लगते हैं, कैसे बनने लगते हैं वो हमने आपको बता दिया है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, क्योंकि साइक्लोन इन सेल्फ आर लो प्रेशर सेंटर, अब एक लो प्रेशर यहां बन रहा है, एक लो प्रेशर यहां बन रहा है, एक लो प्रेशर यहां बन रहा है, तो जो विंड्स है वो डिस्टर्ब कंफ्यूज हो जाती है, कुछ विंड वहां जाती है, कुछ विंड यहां जाती है, कुछ विंड यहां जाती है, और इसके कारण जिन विंड्सों को सीधे वहां जाना चाहिए जिन विंड्स को, वो कुछ विंड्स यहां वहां चली जाती है, और कुल मिलाकर के बारिश कुछ दिन रुक जाती है, और जब तक यहां का लो प्रेशर खत्म नहीं हो जाता तब तक विंड जो है इस डायरेक्शन में नहीं जाकर यही आती जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? एक उदाहरण समझ, मान लीजिए इंडो गैंगटिक प्लेट में है इंटेंस लो प्रेशर, लेकिन इसके आजू बाजू में कहीं और कोई लो प्रेशर बन जाए, ठीक है, और विंड यहां हाई प्रेशर, और विंड हाई प्रेशर से अभी तो सीधे लो प्रेशर की ओर जा रही है, ठीक, लेकिन किसी कारण से 2-4 दिन के लिए ये वाला लो प्रेशर डेवलप हो जाए, तो इस हाई प्रेशर से जो विंड जा रही है उनमें से कुछ विंड इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एक आध लो प्रेशर यहां बन जाए ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये इतनी वीक हो जाएंगी यहां से यहां जाने वाली विंड कि ये कन्वेक्शन करके बारिश नहीं करवा पाएंगी, और जब ये वाली खत्म हो जाएगी, ये 2-4 दिन के लिए बनते हैं, 2-4 दिन मैक्सिमम 1 सप्ताह 10 दिन, ठीक, और जैसे ही लो प्रेशर जो आजू बाजू में बन रहे हैं किसी कारण से, चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के कारण हो या इसके अलावा कुछ लोकल कारण भी होते हैं, ठीक है, तो उनके कारण ये लो प्रेशर बनते हैं और यहां से जाने वाली विंड्स को डिफ्लेक्ट कर देती है, और कुछ दिन तक विंड आगे ही बढ़ती है, बारिश नहीं होती, इसको बोला जाता है मानसून ब्रेक, यानी फ्यू डेज विद इन दी मानसून सीजन देयर आर फ्यू डेज विच रिमेन विदाउट रेनफॉल, रेन लेस इज नोन एज मानसून ब्रेक। ठीक है, तो ये हमारा रिट्रीटिंग मानसून हो गया। मानसून के कुछ ये डेफिनेशन हो गए, कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर मिल गए, अब बाकी आप इस पर जितना एनालिसिस करेंगे, खुद से इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मैप के साथ वर्कआउट करेंगे, इंडिया का एटलस रख लीजिए, ये पूरे डेट्स के साथ वर्कआउट कीजिए, आपके उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले तो मन में प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए, इनकेस आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते आप उससे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें। इसमें हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि जो डेट्स हमने चाहे एडवांसिंग की बताई हो या रिट्रीटिंग की बताई हो, ये एक एवरेज एस्टिमेटेड डेट है। मानसून की एक बड़ी खासियत यह है कि मानसून कोई डेफिनेट ऑनसेट का डेट नहीं है, ठीक, मानसून कभी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी बहुत जल्दी आ जाता है। उसी प्रकार से अगर केरला में मानसून बहुत डिले आया तो वो सभी जगह डिले हो जाएगा,
और अगर अर्ली आ गया तो सभी जगह अर्ली हो जाएगा। ठीक है, अब ये मानसून इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि क्यों डिले हो जाता है, क्यों अर्ली हो जाता है हर महीने या हर साल, वो उसी पैटर्न पर क्यों नहीं आता, ऐसे तमाम चीजें हैं जिस पर अभी वर्कआउट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। ठीक है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। एक बात आपको जान लेनी है कि अर्लीएस्ट यानी आज तक मानसून, जनरली मानसून एक जून का, लेकिन इसके पहले भी आ जाते हैं, इसके बाद भी आया, तो आज तक सबसे पहले कब आया, सबसे पहले माने इसके पहले कब आया, तो 11th मई इज द अर्लीएस्ट डेट। 1918 में मानसून 11 मई को ही आ गया था। उसी प्रकार सबसे देर से कब आया, 18 जून 1972। तो 1972 में मानसून 1 जून की जगह पर 18 जून को आया था, और 1918 में 1 जून की जगह बहुत पहले आ गया था, 11 मई को ही आ गया था, लगभग 20 दिन पहले। ठीक है, यहां लगभग 20 दिन बाद। तो मानसून का कोई सेट पैटर्न नहीं है, कभी वो जल्दी आ जाता है, कभी वो देर से आ जाता है, लेकिन मानसून जब भी आए, जैसा भी आए, मानसून इंडियन इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन प्लानिंग के लिए बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम एक एग्रारियन कंट्री है जिसकी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ तो आगे इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिलेगा, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर के हिसाब से हमारा मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आई होप ये सारे सब्जेक्ट आपको, सारे टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।